बाल कल्याण समिति ने हनुमानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में 3 माह से बंद फैक्ट्री में 4 बाल श्रमिक को दस्तयाब किया। आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि फैक्ट्री के पास एक बच्चे के रोने की सूचना पर मिल रही थी। बच्चे ने बताया कि फैक्ट्री में एक श्रमिक ने उससे मारपीट की। फिर समिति ने मानव निरोधक तस्करी यूनिट के सहयोग से फैक्ट्री की जांच की तो उसमें इन बच्चों को पाया। ये सभी बिहार के थे। फैक्ट्री संचालक को बाल श्रम ना कराने के लिए पाबंद किया गया। उन्होंने बताया कि 4 बच्चों को जल्द उनके घर भेजा जाएगा। एक छोटा बालक मिला, कोई जागरूक नागरिक ने हमें सूचना दी कि छोटा बच्चा है और रो रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो बालक ने बताया कि मेरे साथ मारपीट हुई है और मैं फैक्ट्री में काम करता हूं। इसको लेके हमने मानव तस्करी यूनिट को और सिटी पुलिस को भी सूचना दी और हम पूरी यूनिट के साथ यहां पहुंचे फैक्ट्री में। तो पता चला कि एक D1D2, ये प्लॉट नंबर D1D2 है रिको में, वहां पे पता चला कि फैक्ट्री पिछले 30 दिनों से बंद है। जब गहनता से जाँच की तो ये पता चला कि फैक्ट्री में वर्तमान में कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसके ऊपर हमने एक्शन लेते हुए फैक्ट्री मालिक को भी ये कहा कि जब भी कोई छोटे बच्चे अंडर 18 कोई बच्चे लेके यहाँ पे कोई भी लेबर है या रुकता है तो आप ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपके परिसर में कोई भी बच्चा कभी भी किसी प्रकार का अगर बाल श्रम करते हुए पाया गया तो आप पे मुकदमा दर्ज होगा और उनको पाबंद भी किया गया है जो ठेकेदार है और उनके परिजन है। और 72 घंटों में इनको बिहार भेजने के लिए व्यवस्था की गई है और 72 घंटे बाद ये बिहार पहुँच के इनके जो 2 के तो माता पिता हैं, 2 बच्चों के यहाँ नहीं है तो वहाँ पे हमारे को वीडियो कॉल करके कंफर्म करवाएंगे।